Zoom Iskoteko. Zoom Iskoteko. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड द बिग स्टोरी। आप देख रहे हैं प्रियंका बर्थडे स्पेशल। कल प्रियंका चोपड़ा अपना 27th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन जूम उन्हें आज ही उनके जन्मदिन के लिए बेस्ट विशेस दे रहा है और उनके बर्थडे के ईव पर जूम ने की खास बातचीत प्रियंका के साथ। चलिए हम भी जानते हैं क्या है प्रियंका के बर्थडे प्लान। हमारे साथ हैं बर्थडे गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जो अपनी सालगिरह जरूर मना रही हैं लेकिन काफ़ी शाई है, वो ज़्यादा शेयर नहीं करती हैं, टिपिकल कैंसेरियन है। तो आइए सबसे पहले उन्हें विश करते हैं। प्रियंका, जूम की तरफ से आपको सालगिरह बहुत मुबारक। थैंक यू आमपाई, थैंक यू सो मच। ओह गॉड, देयर इज अ कार्ड आल्सो। जी, हाउ स्वीट। डियर प्रियंका, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आम्रपाली जूम चैनल। थैंक यू। किस तरह से शुरुआत कर रही हैं दिन की, किस तरह की प्लानिंग? मेरे घर पे सुबह पूजा होती है, जहाँ मेरी पूरी फैमिली बैठती है और हम लोग पूजा करते हैं, हवन होता है घर पे, और उसके बाद घर पे लंच एंड मेरी कज़न्स आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं। मैं काफ़ी होम बॉडी हूँ, शोशा ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, तो मैं बस यही मेरे प्लान ज़्यादा नहीं रहते। ओके, कुछ पार्टीज़ वगैरह होती हैं कभी? आज आप क्या करें, कुछ पार्टी का प्लान है? पार्टीज़ का ज़्यादा शौक नहीं है अपने घर पे, तो बिल्कुल नहीं, और वो भी अपने बर्थडे पे तो और नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं ही अपने जन्म का दिन क्यों सेलिब्रेट करूँ, दूसरों को करना चाहिए कि अरे प्रियंका पैदा हुई थी आज। तो मैं ज़्यादा बर्थडे पार्टीज़ को अहमियत नहीं देती। हमेशा मेरे साथ हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स ने या मेरी फैमिली ने मुझे कहीं डिनर पर लेकर या थोड़ी छोटी सी पार्टी थ्रो कर दी, बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। यानी काफ़ी न्यूज़ जनरेट होती हैं अगर बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए पार्टीज़ में। और मैं काफ़ी प्राइवेट हूँ वैसे, मुझे ज़्यादा पब्लिक, वैसे भी हम लोग पब्लिक लोग हैं, हमारी ज़िंदगी हमेशा यू नो लोगों के सामने रहती है, और मैं थोड़ी शाय किस्म की हूँ उस मामले में। प्रियंका, आप फिल्म कर रही हैं व्हाट्स योर राशि, तो मैं पूछूंगी आपकी राशि क्या है? मेरी राशि कर्क है, कैंसेरियन। तो क्या आप कैंसेरियन हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं इतनी बड़ी कैंसेरियन हूँ जो कभी कुछ भूलते नहीं हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, होम बॉडीज़ होते हैं कम्प्लीटली, फैमिली को बहुत अहमियत देते हैं, इमोशनल होते हैं, मूडी होते हैं, मैं कम्प्लीटली कैंसेरियन हूँ। और काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं? रिजर्व्ड होते हैं, दैट्स आल्सो मी। प्रियंका, काफ़ी सारी फिल्में, आपकी 3 फिल्में बैक टू बैक रिलीज हैं, आप सुबह से शूट कर रही हैं और पिछले काफ़ी 1 महीने से लगातार आप शूट कर रही हैं करीब 13 घंटों तक, कैसे मैनेज करती हैं इतनी एनर्जी? इनफैक्ट मैं पिछले 5 साल, कितने टाइम हो गया मुझे इंडस्ट्री में, 5-6 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने अभी तक छुट्टी नहीं ली है। आई थिंक मेरी कोशिश है कि इस साल मैं 1 महीना ऑफ लूँगी, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। मैंने रोज़ शूट किया, चाहे दिवाली हो, चाहे न्यू ईयर्स हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो। अब मैंने शायद 1-2 छुट्टियाँ बीच में लेनी शुरू कर दी, मेरे भाई के बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे, मेरे डैड के बर्थडे पे, और इस साल मेरा प्लान है कि मैं छुट्टी लूँ। लेकिन मुझे अपने काम का बहुत शौक है। जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे सूझता नहीं है मैं क्या करूँ बिना काम के। जब मैं फ्री होती हूँ, हालाँकि मुझे घर पर वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना, मूवीज़ देखना, जो सब नॉर्मल लोगों को करना पसंद है, वो सब चीज़ें मुझे पसंद हैं, लेकिन जब तक मैं सेट पर ना जाऊं या कुछ क्रिएट ना करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अपने काम का बहुत शौक है, शायद इसलिए एनर्जी। तो भूतों की शादी तो तुम्हारा वो भाई भी नहीं रोक पाएगा। की फिल्म आ रही है विशाल भारद्वाज की कमीने, तो काफ़ी खबरों में है फिल्म, और उसमें मैंने पढ़ा कि आपका कैरेक्टर जो है उसका नाम स्वीटी है, तो किस तरह की है स्वीटी? स्वीटी बहुत स्वीट है, इनफैक्ट काफ़ी कमीनी है, सॉरी। हमारी फिल्म में सब कमीने हैं, इसलिए फिल्म का नाम आसान कर दिया विशाल ने, फिल्म का नाम ही कमीने रख दो ताकि लोगों को समझ में आ जाए। महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है, कॉलेज लड़की, कॉलेज गोइंग गर्ल है, 21-22 की उम्र होगी, और कैसे एक बहुत बड़े महाराष्ट्रन डॉन की बहन है, और उसको प्यार हो जाता है, कॉलेज का प्यार कैसे होता है, यू नो इनोसेंट सा, स्वीट सा, वैसा प्यार होता है, और कैसे एक दिन में उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और ये कहानी 2 दिन की कहानी है, जहाँ पे 2 जुड़वा भाई हैं, गुड्डू और चाली,
जो शाहिद कपूर ने प्ले किया है, और मेरे किरदार का नाम जो स्वीटी जो गुड्डू के साथ है इस फिल्म में. तो इट्स अ रियली गुड फिल्म. ऐसे जाती है कहानी, दो घंटे की फिल्म है. म्यूज़िक ब्रिलियंट है इस फिल्म का. तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया, और स्पेशली दोस्ताना फैशन के बारे में. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी हर अगली फिल्म पिछली वाले से अलग रहे. मेरा प्लान यही रहता है हमेशा ऑब्वियसली, लेकिन प्लान के हिसाब से हमेशा नहीं होता. लेकिन अभी चल रहा है वैसा ही. दोस्ताना फैशन के एकदम अल्ट्रा ग्लैमरस रोल्स के बाद दिस इज़ अ चवल चटपटी लड़की है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है मेकअप करने का, चोटी बना के निकल जाती है. बिंदास. मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है ढंग के. कोई बात नहीं, आई तो लाइक यू विदाउट क्लोथ्स ओनली. इसमें ना प्रियंका, जब फिल्म शुरू हुई थी तो सबने आपका लिंकअप कर दिया आपके कोस्टार शाहिद कपूर से, और जब फिल्म रिलीज पे आई है तो ब्रेकअप भी कर दिया. तो कैसे लेती हैं आप इस लिंकअप एंड ब्रेकअप को? कन्वीनियंट होता है बहुत. ये मुझे बिल्कुल कभी समझ में नहीं आया, ना ही मैं इसको अहमियत देती हूँ ये बोल के कि सच है या झूठ है. जब बोलने लायक कोई बात होगी तो सबसे पहले डंके की चोट पर आके मैं ही बोलूँगी. लेकिन आई थिंक मैं भी एक लड़की हूँ, लोग भूल जाते हैं. मेरी भी फैमिली है, मेरे भी पापा हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और रूमर्स अफेक्ट करते हैं स्पेशली लड़की होकर, यू नो. तो लेकिन आई थिंक प्रोफेशनल हैज़र्ड है इन, अगर आपने दो बातें कर ली किसी अपने कोस्टार से तो बातें फैल जाती हैं. तो उस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी जीना तो बंद नहीं करूँगी. मैं एक बहुत हैप्पी गो लकी लड़की हूँ, मैं हमेशा हर जगह पर खुश रहती हूँ, एंड मैं अपना मिजाज कभी बदलूंगी नहीं इस वजह से. लेकिन ये रूमर्स आते हैं, और अगर कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी मुझे, या फिर लगा कि बहुत ज़रूरी है बोलना, तो मैं हमेशा बोलूँगी. दिल एक ऐसी हरकत की है पहली रहेगी. शायद से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, यानी दोस्ती नॉर्मल हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी. ये तो बहुत स्टूपिड सी बात होगी कि हम यू नो रिलेशनशिप है या नहीं है. हम बहुत अच्छे कोस्टार्स रहे, हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और हमेशा रहेंगे. मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ शाहिद को, बिकॉज वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर कमीने, एंड आई एम श्योर हम अगर कभी फिल्म करेंगे तो फिर वैसा ही होगा. प्रियंका, आप बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत इमोशनल हैं, और एज एन कंसीडरिंग भी एज एन पर्सन. तो जब भी आप फिल्म्स करती हैं आपको ना बहुत अटैचमेंट होता है अपने कोस्टार से, एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप बन जाती है कोस्टार से. नहीं, सिर्फ यूनिट से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से. हर फिल्म में मैं रोई हूँ लास्ट डे पर, होता ही है मेरे साथ, क्योंकि आप इतना वक्त बिताते हैं एक दूसरे के साथ, 60-70 दिन, कभी कभी 100 दिन. रोज़ सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं. तो जो यूनिट हो जाती है ना, यू नो 7500 लोगों की, आप बहुत क्लोज हो जाते हैं. तो हर बार हर फिल्म के साथ मेरा हुआ है कि मैं रोई हूँ. वत्सय राशि में रोई थी मैं, दोस्ताना में रोई थी मैं, फैशन में रोई थी, हर फिल्म में मैं रोती हूँ. ओके, लेकिन प्रियंका, इसे आप कैसे देखते हैं कि जो भी फिल्म आप करती हैं उसके स्टार्स के साथ आपको लिंकअप की न्यूज़ हमेशा सुननी पड़ती है, तो कैसे डील करती हैं? जब आप एक सिंगल लड़की होती हैं तब आसान बहुत होता है लोगों को, कि ज़िंदगी में कुछ चटपटा तो दिखाई नहीं दे रहा प्रियंका के बारे में, लिंक कर दो इस फिल्म इसके इस को स्टार के साथ, अच्छी बातें कर ली दो, एक दो जगह दिख गए एक साथ, तो मतलब कि कुछ तो है. तो वो गलत भी है एक तरीके से, और लेकिन हमारे प्रोफेशनल हैज़र्ड है, अभी कुछ कर नहीं सकते. आपने ब्रिटिश इंडियन म्यूजिशियन जेसीन के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप उनके वीडियो में फीचर? मैंने कोई नहीं किया है, हम कोई वीडियो नहीं कर रहे हैं. ऐसी खबरें आई थी, खबरें अभी मैं क्या बोलूँ, खबरें तो खबरें ही होती हैं. लेकिन जेशॉन के साथ मैं कोई वीडियो नहीं कर रही हूँ अभी. इनफैक्ट उन्होंने बस मुझे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, वो जानते हैं इस बात को. मैं उनके कॉन्सर्ट पर जा चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी उनकी वीडियो जो डाउन करके उनका गाना है, और मैं कर नहीं पाई.
तो उन्होंने बस बोला है मुझे ट्विटर के अकाउंट पे मेरे कि मैं दूसरे वीडियो पे तुम्हें 100 करना पड़ेगा, तो मैंने बोला 100% मैं करूँगी बस। तो बस यही बात हुई है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। प्रियंका, बात करें कि आपकी फैशन दोस्ताना और इतनी सुपरहिट फिल्में आई और सभी अवार्ड भी मिले आपको और फिल्म क्रिटिकली एक्लेम भी हुई, साथ में बॉक्स ऑफिस पे भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, तो हर तरफ की कामयाबी, इतनी शिखर पे जाना, आप कैसे लेती हैं इसको और क्या और चाहती हैं आप ज़िंदगी से, खासकर जब सालगिरह है तो? बस एक ही साल तो ये हुआ है, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अमपाली की, मेरी पहली फिल्म से मैंने कामयाबी देखी है, हर साल मेरी फिल्में चली हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी साल आया जहाँ पे मेरी फिल्में नहीं चली। तो एक तरह की कंसिस्टेंसी मेरी फिल्मों में रही है जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं यही चाहूँगी इस साल भी कि मुझे अपने काम का बहुत शौक़ है, मेरी हर फिल्म मेरी अपनी बन जाती है और मेरा दिल टूटता है जब वो फिल्में नहीं चलती हैं। मैं ऑलमोस्ट जैसे कोई मर जाए तो कैसे आप मौन करते हैं, मेरे लिए वैसा होता है जब मेरी फिल्म नहीं चलती, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मेरे को बहुत अफेक्ट होता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि भगवान मुझे ऐसा स्ट्रेंथ दे कि मैं अच्छी फिल्में और अच्छी स्क्रिप्ट्स पिक कर पाऊँ जो लोगों को पसंद आए, और मेरी फिल्में लोगों को पसंद आए, मेरा काम लोगों को पसंद आए बस। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया जो के साथ बात करने के लिए। हम दुआ करेंगे कि आपकी सारी फिल्में चले और आपको कभी भी निराश उदास ना होना पड़े। थैंक यू वेरी मच।